जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस दिन का इंतजार था कि सी टेट रिजल्ट कब जारी करेगा इस सत्र 2023 में, सो फाइनली सी टेट ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया। कैसा रहा रिजल्ट आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल कैसे रिजल्ट को चेक करेंगे ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको इंटर रोल नंबर करना है। ये कहाँ से आया मैं इसका लिंक यहाँ से कॉपी करके इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप सी टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहला ही नोटिफिकेशन दिया है कि क्या हुआ आपका आंसर रिजल्ट यहाँ पे आ गया। तो रिजल्ट पे क्लिक करते हैं बच्चों और देखते हैं इस बार सी टेट का रिजल्ट कैसा रहा। यहाँ पे सबमिट करते हैं अपना रोल नंबर और रोल नंबर सबमिट करके यहाँ पे करेंगे हम सबमिट। सबमिट करने के बाद बच्चों कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसमें खास बातें ये हैं बच्चों कि आपको यहाँ पे साफ दिखाई देगा कि आपको CDP में कितने नंबर मिले हैं और आपको आपके पेपर वन में कितने सब्जेक्ट, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, सारा यहाँ पे नंबर्स आपको दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से पेपर टू में भी आपको दिखाई देगा कि आपके CDP में कितने नंबर हैं और मैथ और साइंस में कितने नंबर हैं, ये भी इंडिविजुअल दिखाएगा। और साथ ही साथ आपके लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में भी दिखाएगा कितने नंबर। ये जिनका रिजल्ट है मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही अच्छा नंबर पाया, 126 नंबर 150 में और 116 नंबर 150 में, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब कौन से बच्चे सीटेट के लिए क्वालिफाइड माने जाते हैं तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि जिनका स्कोर 60% से अबव है, बात की जा रही है जनरल कैटेगरी की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको साफ परसेंटेज लिख के नजर आएगा। जैसे इसका परसेंटेज अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 84% यहाँ पे मतलब क्वालिफाइड, यहाँ पे 77% मतलब क्वालिफाइड। तो जिसका 60% है बिना डाउट के क्वालिफाइड है। अबव मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एज द सीटेड क्वालिफाइड। स्कूल मैनेजमेंट्स, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड एंड अन एडेड मे कंसिडर गिविंग कंसिक्वेंस टू द पर्सन बिलोंगिंग टू। अब यहाँ पे बात की जा रही है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बफर यानी कि कुछ यहाँ पे SC ST OBC डिफरेंटली एबल पर्सन एक्सेट्रा इन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। द पर्टिकुलर ऑफ द कैंडिडेट इज एज पर द डिक्लेरेशन द एप्लीकेशन फॉर्म सीटेड दिसंबर 2022 द कंसर्न अपॉइंटेड अथॉरिटी में वेरीफाई द सेम। अब यहाँ पे बात की जाएगी, अगर SC ST OBC की बात करें तो लास्ट ईयर 82 मार्क्स रखा जाता था, सो आई होप इस बार भी 82 या जिनका 83 आया है SC ST OBC में दे आर क्वालिफाइड। बट यहाँ पे जिनका 60% आ रहा है वो तो आराम से क्वालिफाइड है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी बच्चों को जिनका सीटेट क्वालिफाइड हो गया। और जिनका नहीं हुआ निराश ना हो, ऐसा नहीं है कि सीटेट मिलने के बाद तुरंत नौकरी मिल जाती है, आपको और भी समय इंतज़ार करना पड़ता है, मतलब आपको अपने आप को तैयार करने का एक और मौका मिलेगा। इस प्रकार से आप निराश ना होइए, फिर से तैयारी करिए और आई होप नेक्स्ट ईयर आप और अच्छा करेंगे। बाकी जिनको सीटेट क्वालिफाइड है मेरी तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएं, फटाफट से कमेंट में अपना नंबर्स बता सकते हैं। सो जय हिंद जय भारत साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब क्वालिफाइड होंगे। जय हिंद दोस्तों।